हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों को एक और न्यू वीडियो में। गाइस, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि भाई थीम स्टोर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, क्योंकि रियलमी वाई 2.0 की थीम स्टोर अच्छी है। तो ये वीडियो थीम स्टोर के ऊपर डेडिकेटेड है, पर थीम स्टोर के फीचर्स के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई थीम स्टोर बेसिकली सेम ही है जैसा आप लोग के पास है वैसा मेरे पास भी है, और ज़्यादा कुछ चेंजेस रियलमी वाई 2.0 के बाद आए भी नहीं है। पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्री थीम्स के अंदर कौन कौन सी थीम आप यूज़ कर सकते हो और जो कि काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे मैं टॉप 5 थीम्स के बारे में बात करूंगा, पर उससे पहले थीम स्टोर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। और उससे पहले अगर आप ये वीडियो ऐसे देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सारे न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। पहले बात करते हैं थीम स्टोर के बारे में। अभी जो है रियलमी की UI 2.0 का थीम स्टोर है। अभी मैं यहाँ पे ना आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा वर्सन क्या है। अगर आप लोग यहाँ पे मेरी वर्सन देखेंगे, मैं यहाँ पे अबाउट इन्फो पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो वर्सन है वो है 7.3.2। अब ये जो वर्सन है, ये वर्सन हो सकता है आपके पास कोई और हो, मेरे पास कोई और हो, मेरी फीचर्स कुछ और हो, आपके फीचर्स कोई और हो सकता है आपके पास जो है, या मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास अगर ये वाला वर्सन है तो भी मुझे आप नीचे कॉमेंट करके बता दीजिएगा, या अगर आपके पास कोई और वर्सन है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, उस वर्सन को भी मैं टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो थीम स्टोर है। अब देख लेते हैं थीम स्टोर में बेसिकली क्या क्या है। ज़्यादा कुछ मतलब ह्यूज चेंजेस तो नहीं है यहाँ पे। थीम स्टोर के अंदर आपको बहुत कुछ एक मतलब कैटेगरी टाइप का मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको फ्री चीज़ें भी देखने को मिल जाएगी। रियलमी वाई थीम जो थीम स्टोर है रियलमी का, यहाँ पे मुझे बहुत ही बेकार सी चीज़ एक लगता है कि बहुत से चीज़ को ना आपको खरीदना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदना पड़ता है, और जो फ्री चीज़ है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनमें से जो अच्छी है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे थीम्स के अंदर। तो यहाँ पे थीम्स का एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप थीम्स वगैरह चूज कर सकते हो। इसका थीम्स रियलमी का जो थीम से मुझे इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वॉलपेपर्स एंड आइकॉन पैक्स ही चेंज होते हैं, उसके साथ साथ लॉक स्क्रीन में थोड़ा कस्टमाइजेशन होते हैं। पर जो आपका बेसिकली मान लो जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, या अदर्स एरिया में चेंजेस नहीं होते, जो कि MIUI के जो थीम स्टोर है वहाँ पे चेंजेस होते हैं। अभी यहाँ पे थीम्स का सेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट्स का सेक्शन है, आप फ्री फॉन्ट्स भी अवेलेबल कर सकते हो। वॉलपेपर सारे के सारे बहुत ज़्यादा है जो आपका बेसिकली फ्री है, सब कुछ फ्री है। उसके साथ साथ वो मी है जो आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर। तो चलिए अभी ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं फ्री थीम्स के अंदर कौन कौन से ऐसे थीम्स है जिस थीम्स को आप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 5 जो यहाँ पे थीम्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, उस थीम्स का नाम है सिंपल ब्लैक UI। ऐसे आप लोगों को पता है कि Realme X2 एक AMOLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। अब AMOLED डिस्प्ले में ब्लैक बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये केस अलग है कि हम लोग अभी 12% यूज़ कर रहे हैं और उसमें बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा होता है, पर अगर आप लोग 12% से नॉर्मल % में मूव भी कर लेते हो तो आप लोगों को ये वाला जो थीम है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये बैटरी भी कम ड्रेन करेगा, उसके साथ साथ ये पूरा मैट ब्लैक है। इसको मैं एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फ्री थीम है और आप काफ़ी आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको एक पूरी ये फ्री एकदम ब्लैक वाला बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, और जहाँ पे कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये मोबाइल को एक तरह से ना पूरी ब्लैक ब्लैक बना देगा। सब कुछ ब्लैक है जैसे कि आप देख पा रहे हो। हाँ, यहाँ पे मैंने जो बेसिकली ब्लैक डार्क मोड ऑन करके रखा है, इसीलिए मुझे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कस्टमाइजेशन नहीं होता, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। और जहाँ तक बात है भाई यहाँ पे लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन में भी कुछ ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, आपको यहाँ पे क्लॉक देखने को मिल जाती है और कुछ ऐसा है। तो इसीलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है। मुझे ब्लैक जो थीम है मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए इसको मैंने नंबर 5 पे रखा है। हम लोग बात करते हैं नंबर 4 वाली थीम की, और नंबर 4 जो थीम का नेम है वो है नियॉन लैंप। आप इनको थीम स्टोर में सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ये फ्री थीम है, इसके लिए आपको कोई ट्रिक्स कोई पैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो नियॉन लैंप है ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी हम लोग एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है लॉक स्क्रीन में भी कस्टमाइजेशन थोड़ा मिल जाएगा, और ये नियॉन टाइप का आपको एक पूरा मैट डार्क में आपको एक वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएगा। और इसके जो आइकॉन पैक्स भी है ये काफ़ी विजिबल है, मतलब आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी और दिक्कत नहीं होगी कि भाई ये कौन सा आइकॉन है, कौन सा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है, और सब में नियॉन वाली फीलिंग दिया गया है। ब्लैक में नियॉन फीलिंग काफ़ी अच्छी लगती है। अगर बात करें यहाँ पे लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं है, पर यह थोड़ा नियॉन वाली एक फीलिंग दे रहा है, और मिडल में लिखा हुआ है नियॉन।
अब यहाँ पे जो थर्ड पोजीशन में आते हैं वो मैंने वन टाइप ऑफ फेवरेट है, मतलब आप लोगों को क्या पता हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम है कलरफुल डेज और ये थीम भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला थीम को यूज़ करने में। इसका जैसा जिस तरह का भाई इसका लॉक स्क्रीन है, जिस तरह का भाई इसका वॉलपेपर है, जिस तरह का भाई इसका जो आइकॉन पैक्स ही काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा आइकॉन पैक बहुत ही अच्छे हैं, थोड़ा स्क्वायर टाइप का है और इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो रियलमी की तरफ से, आप लोगों को बताएं। मतलब इसका जो मतलब पूरी आइकॉन पैक से ना बहुत कार्टूनी से है, जैसे कि ब्राउज़र आप देख रहे हो, कैलकुलेटर आप देख रहे हो, कैलेंडर आप देख रहे हो, ये बहुत ही पुराना फील देता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ ये कुछ ऐसा यूआई है। और जहाँ तक बात करते हैं मेन केस की, तो वो तो भाई है लॉक स्क्रीन में। तो लॉक स्क्रीन में जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली देखने को मिल रहा है एक लॉक स्क्रीन, और जिसके अंदर जो घड़ी है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब हम लोग बात करते हैं, आप इसको ना लिटरली चेंज कर सकते हो। ऐसे करने के बाद आपका एक न्यू टाइप का घड़ी आ जाएगी, ये तो मुझे काफ़ी पसंद है। और ऐसे भी चेंज करने के बाद एक और न्यू टाइप का घड़ी आ जाएगी। तो जहाँ पे लिखा हुआ यह सैटरडे है, यह चार ये जो इसका डेट दे रहा है वो दे रहा है, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दे रहा है, उसके साथ ईयर भी दे रहा है। तो ये जो है वो ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे वैसा ही दिया हुआ है, वैसे दिया हुआ है। तो अगर ये वाला थीम आपको चाहिए तो आप सिंपली थीम स्टोर में जाके कलरफुल डेज लिख सकते हैं। बेसिकली इसका नाम कलरफुल डेज ही है, यस कलरफुल डेज लिख सकते हैं, आपको ये वाला थीम मिल जाएगा। टू पे आते हैं ग्लैंस एट इंडिया। भाई साहब ये बहुत ही सही थीम है, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत अच्छा थीम है। मतलब थीम्स के एरिया में मैं तो इसको वन ऑन वन देना चाहूँगा, पर वन कोई और ही है। तो ये जो है थीम है ये बहुत ज़्यादा सही है। मैं एक बार आपको इसको बेसिकली अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये इंडिया के ऊपर बेस्ड है और इसका लॉक स्क्रीन भाई देखने लायक है, बहुत सही है। और इसका जो वॉलपेपर है आइकॉन पैक है वो भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा सही है। मतलब अगर आप इसकी वॉलपेपर आप इसकी आइकॉन पैक्स को देखोगे आपको कोई इशू नहीं होगी इसको यूज़ करने में। काफ़ी क्लीन है और काफ़ी अच्छा है, कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इसका जो ट्विस्ट है तो भाई यहाँ पे लॉक स्क्रीन में है। चलो लॉक स्क्रीन देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन करता हूँ तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी, काफ़ी कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पे देख रहे हो ना, एक हाथी है, उसके साथ साथ यहाँ पे कोई ऐसे जा रहा है। तो ऐसे आप ना इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे ट्रैवल कर लेता हूँ, चलो ट्रैवल करने के बाद ना आप इसको ऐसे हटा सकते हो। और लाइक मैं आ गया ऐसे दिल्ली में आ गया, यहाँ पे भी गाड़ी वगैरह जा रहा है, मैं स्टे कर रहा हूँ दिल्ली में। अब ये दिल्ली वाला हो गया और ये इसका कुछ ऐसा आपको क्लॉक मिल जाएगा। अब यहाँ से भी ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं आप, चलो कुतुब मीनार जाते हैं, ये कुतुब मीनार में पहुँच गए हम लोग। ये देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। और इस वाले में तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे ताजमहल तो दिख ही रहा है, यहाँ पे भाई दिल्ली का भी और कुछ चीज़ें है, लाइक यहाँ पे ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पंछी वगैरह दिया हुआ है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कर देते हैं स्टे। तो ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट यू मतलब थीम है, मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे ये यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ज़्यादातर देखोगे नहीं इसलिए बैटरी जाने की भी कोई डर नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग आते हैं नंबर वन पे। और अगर आप एक एमोलेड यूज़र हो, अगर आप डार्क थीम को पसंद करते हो, डार्क मोड को यूज़ करते हो, हर एक चीज़ डार्क रखते हो, डार्क वॉलपेपर यूज़ करते हो, तो ये है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूआई और ज़्यादा अच्छा थीम आप मान सकते हो। इसको मैंने नंबर वन पोजिशन में इसीलिए रखा है क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इस जो थीम का नाम है वो है कलरफुल एनालॉग यूआई। अब यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर लीजिए, ये फ्री है, ऐसा आपको कोई भी पैसा या ट्राई आउट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, फ्री है। और इसका भाई आइकॉन पैक से लेके इसका वॉलपेपर काफ़ी सही है। मतलब अगर आपका कंडीशन ऐसा है कि भाई आप मतलब बैटरी से भी मोड पे चल रहे हो, तब भी आप अगर इस थीम को रख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कोई भी वॉलपेपर नहीं है, पूरा मैट ब्लैक है, आपको कुछ अंदर देखने को नहीं मिलेगा, पूरी की पूरी मैट ब्लैक है। और इसका जो बेसिकली आइकॉन पैक है ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसके साथ साथ जहाँ तक बात कर इसकी मतलब घड़ी की, और ये घड़ी भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ा है, सैटरडे ऐसे अच्छे से लिखा हुआ है, और घड़ी जो है पूरी एनालॉग है और देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी पुराने वाइब देती है। और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा ही सही है। आप लोगों को मैंने थीम स्टोर के बारे में थोड़ा बता दिए, कौन से टॉप 5 थीम्स है जो आप फ्री थीम्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। आप नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये थीम्स पसंद आए कि नहीं, आपको लगाने के बाद अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। रियलमी एक्स रिलेटेड जो भी कंटेंट आएगी मैं पोस्ट करता रहूँगा, कोई भी टेंशन नहीं है। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो ताकि आपको मैं जल्द से जल्द अपडेट दे सकूँ। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय।